हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ सल्फोनेशन रिएक्शन था, ठीक है, रिएक्शन हमने बाइफिनाइल्स के सल्फोनेशन तक पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, राइट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम सबसे पहले, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। ये हमारी थी फोर्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, ओके? अब यहाँ पे डायरेक्ट देखते हैं हम ऑक्सीडेशन किस तरह से होगा बाइफिनाइल में। ये H2CrO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, और यहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये क्या होगा यहाँ पे, इसका ना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां से ये वाला कार्बन जो है इसका, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में यूज होगा, साथ ही यहाँ पीछे कितने कार्बन बचे हैं, 5 कार्बन बचे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑक्सीडेशन पढ़ा था, जो भी एक्स्ट्रा कार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 5 H2 के मॉलिक्यूल भी निकलते हैं। बेसिकली यहाँ बनता क्या है, इसमें बाइफिनाइल में बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो ये हुआ बेंजोइक एसिड। इसके अलावा जो ओजोनोलाइसिस होता है, ओजोनोलाइसिस आपको याद हो तो हम जब बेंजीन के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब हमने ओजोनोलाइसिस पढ़ा था, ठीक है? तो जो ओजोनोलाइसिस होता है उससे भी क्या बनता है, बेंजोइक एसिड ही बनता है, उससे भी हमारा बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन ही होता है, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन, वो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन बायफिनाइल्स में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे बायफिनाइल लेते हैं हम, ये बायफिनाइल 6H2PD पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे जितना भी सैचुरेटेड आपके सारे कार्बन अनसैचुरेटेड थे, ठीक है, डबल बॉन्ड था, तो ये सैचुरेशन हो जाता है। यहाँ पे 6 कार्बन मिलके, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें ना, सिंपल है ना, ये राइट, तो 6 ये सारे तीनों बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, ठीक है, यहाँ से टूटेंगे बॉन्ड और यहाँ से टूटेंगे। टोटल कितने हमें हाइड्रोजन चाहिए होंगे, टोटल हमें 12 हाइड्रोजन चाहिए होंगे यहाँ पे, सॉरी 10, और एक एक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 12 हाइड्रोजन। सही से बनाती हूँ, बहुत ही बुरा सा डायग्राम बनाया मैंने, ओके, यहाँ पे इस तरीके से, जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाला ब्रेक होगा, ये वाला होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये, ठीक है? तो हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे, हमें जो चाहिए वो है एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, लगेगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक क्या लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा हाइड्रोजन, राइट, यहाँ 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 पे भी, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, और यहाँ, तो ये सब जो है वो हाइड्रोजन लगते हैं। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 12। तो आप जो है वो 12 हाइड्रोजन लगा करके हाइड्रोजनेशन पैलेडियम की प्रेजेंस में आराम से बाइफिनाइल का करवा सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बनेगा, बाईसाइक्लोहेक्सील, ये क्या बन गया हमारा, बाई साइक्लो हेक्सिल, क्लियर है? तो ये था आपका हाइड्रोजिनेशन। तो बायफिनाइल से रिलेटेड जो रिएक्शंस थी वो यहाँ पे ये इस तरीके से कंप्लीट होती है। अब इनका जो जो हमने रिएक्शन करवाई है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि इनमें जो है ज्यादातर क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही अटैक होता है,
है ना। और फिर मैंने बताया था कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तो होता है, क्योंकि बायफिनाइल्स जो है वो क्या होती है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, राइट। पर यहाँ पे ज्यादातर जो अटैक होगा वो पैरा पोजिशन पे ही होगा, क्योंकि वहां पे आपको हिंड्रेंस कम फेस करना पड़ेगा एटम को। बाकी क्या, बायफिनाइल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है और यहाँ पे अटैक कर सकती है। उसके पीछे उस ऑर्थो पैरा अटैक या फिर उसके फिनाइल के डायरेक्टिव नेचर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर को जो है, इफेक्ट को जो है देखने के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं उसको रेजोनेंस के थ्रू, ओके। कि ऑर्थो स्थिति पर अटैक हुआ तो, पैरा पोजीशन पे हुआ तो, मेटा पोजीशन पे हुआ तो, क्यों हमने कहा कि ऑर्थो और पैरा पर ही होगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ओके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टिव नेचर ऑफ या फिर डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ फिनाइल अटैक हो रहा है तो उस केस में किस तरह से हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलती है, और कैसे हमने कह दिया कि ऑर्थो पोजिशन पे अटैक हो सकता है, ये डायरेक्टिव नेचर रखता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर, तो वो देखते हैं हम यहाँ पे बाइफिनाइल्स को लेके, ओके। यहाँ पे अटैक करवाया हमने एक इलेक्ट्रोफाइल का, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते ही क्या हुआ है, बेसिकली आप इसको थोड़ा सा ना इसका डबल बोन सही से शिफ्ट कर दो ताकि समझने में ईजी रहे, ओके राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अटैक करवाया इसका इलेक्ट्रोफाइल का, राइट 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 राइट। वन सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रही है, कैसे सही रहेगा, वापस से बनाते इसको, ओके। यहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन क्या हुई, ये हुई यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे जब अटैक होगा, ओके, इस तरीके से ये शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ओके। तो ये करते हैं हम ऑर्थो पे अटैक, ये अटैक हुआ, इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और ये राइट, चलो तो ये अटैक हुआ। अब यहाँ पे जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेगी इसकी, देखो क्या बनती है, और उस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या खास है कि हमने कहा कि इसका डायरेक्टिव नेचर ही होता है, ओके। ये हुआ इस तरफ शिफ्ट, तो स्ट्रक्चर क्या बनी, कुछ गड़बड़ बना है, नहीं सही सही, प्लस चार्ज इधर आ गया, ई एच राइट, अगेन आज कुछ स्ट्रक्चर सही बन ही नहीं रही, सही से बनाते हैं इसको, ओके। ये हमारी बेंजीन, यहां पे ये शिफ्ट हुआ इधर, तो इधर आ गया हमारे बॉन्ड, इधर भी बॉन्ड, ये हमारा ई एच, और यहाँ पे
ये क्या बन गया प्लस चार्ज। अब आप यहाँ नोटिस करो कि ये प्लस चार्ज क्या है, टर्शरी है। ये प्लस चार्ज क्या है यहाँ पे, टर्शरी पोजीशन पे है। इस तरह से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये इस तरह का कार्बोकैटायन बना हुआ है, ठीक है। और ऑर्थो अटैक करने पर आपको टर्शरी कार्बोकैटायन मिलता है, टर्शरी कार्बोकैटायन मिलता है, टर्शरी कार्बोकैटायन मिलता है। और टर्शरी कार्बोकैटायन मिलने का क्या मतलब है कि आपको ऑर्थो अटैक करने पर एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिलती है, स्टेबल इंटरमीडिएट जो है यहाँ पे मिलता है, जिस वजह से हम कहेंगे कि ऑर्थो अटैक पॉसिबल है और बायफिनाइल्स का जो फिनाइल ग्रुप है वो ऑर्थो डायरेक्टिव नेचर होता है, क्योंकि वो अटैक की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है टर्शियरी कार्बोकैटायन देता है, इससे ये कंफर्म होता है। ओके, ये तो हो गया ऑर्थो का केस। अगर पैरा पे अटैक हो तो, पैरा अटैक अगर पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ तो क्या होगा, तो देखते हैं। अगर पैरा पोजीशन पे अटैक होता है तो क्या पैरा पोजीशन पे भी आपको एक टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलेगा, वो देखते हैं हम अभी। ये प्लस राइट, यहां से क्या होगा, ये पैरा पे अटैक करवाना है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, ये बन गया आपका ये अटैक, यहाँ पे ये ई यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। और प्लस चार्ज आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुआ है, इधर देखो अगेन आपको क्या मिला, यहाँ पे एक टर्शरी कार्बोकैटायन मिल गया। तो इससे भी, यहाँ से भी कंफर्म हुआ कि अगर पैरा अटैक हुआ तो क्या होगा, पैरा अटैक में भी आपको एक टर्शरी कार्बोकैटायन मिलेगा, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहां से भी आपको मिल गया राइट। इसके साथ जो है ठीक है, एक और बनती है, पर हमारा काम तो यही हो गया, हमें पता चल गया कि इसमें भी क्या बनता है आपका, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनता है। ओके, यहाँ से वापस से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं इस तरह के, तो ये आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है पूरी कंप्लीट। ओके, यहाँ से प्लस चार्ज एच और ये ई, क्लियर। तो यहाँ से कंफर्म हुआ कि ऑर्थो अटैक से भी आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है, पैरा अटैक से भी आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन मिलता है, इसलिए बायफिनाइल्स में ऑर्थो और पैरा पे ही इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। अब ऑर्थो का मैंने केस बता दिया कि वहां पे जनरली बहुत इजीली नहीं हो पाता, उसका रीजन मैंने बता दिया। दूसरा रीजन है पर डायरेक्टिव नेचर तो फिनाइल का होता है कि ऑर्थो पे अटैक हो, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं मेटा, मेटा पे अटैक होता है तो क्या होगा, मेटा अटैक। इजी है अब बताने की, क्या आपने आइडिया लगा ही लिया होगा कि यहां पे आपको टर्शियरी कार्बोकैटायन रेजोनेंस में नहीं मिलता जब अटैक होता है ना, ये इस तरीके से बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल आया, इसने अटैक किया कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे, सॉरी इसने अटैक किया यहाँ पे मेटा पोजीशन पे इसकी, ये यहाँ पे, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये हमारा ई लग गया,
प्लस यहाँ पे इसको पूरा बना के देखना पड़ेगा कि बनता है कि नहीं बनता है। ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे अगेन हमने रोटेट करवा के देखा इलेक्ट्रॉन को, फिर भी आपका ऐसा कोई कार्बोकैटायन नहीं बना इस पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू कि वो क्या हो, टर्शियरी कार्बोकैटायन हो। तो यहाँ पे कहेंगे कि इस मेटा पोजीशन पे अटैक की वजह से जो है वो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन नहीं बनता है, सेकेंडरी ही बनता है, जो तो सब में कॉमन है, बनता तो है सब में, ठीक है, पर पैरा और ऑर्थो पे विशेष रूप से जो है वो टर्शियरी बनता है। इसलिए हमारा जो फिनाइल ग्रुप है वो क्या करता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर रखता है। क्लियर इतना, ठीक है। तो ये था बाईफिनाइल्स की स्ट्रक्चर्स, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े आपने, उसके बाद जो है उनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ी, और केमिकल रिएक्शन में ऑर्थो पैरा पे ही अटैक क्यों होता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये वाला जो है वो टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, कौन सा, रिएक्शन ऑफ साइड चेन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन एक इम्पोर्टेंट आपकी कह सकते हैं रिएक्शन है, यहाँ पे आपको पढ़नी होगी बर्च रिडक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, ओके। क्या होती है बर्च रिडक्शन, बेसिकली बर्च रिडक्शन होती है कि बेंजीन, लिख लेना आप अच्छे से इसको, बेंजीन कैन बी, आपकी हिंदी वाली बुक में ये लिखा हुआ नहीं दी हुई है तो लिख लेना, बेंजीन कैन बी रिड्यूस्ड टू साइक्लो हेक्सा 1,4, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, नोमेनक्लेचर में नाम एक साथ लिखा जाना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। बेंजीन कैन बी रिड्यूस्ड टू साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन बाय ट्रीटिंग इट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इन लिक्विड अमोनिया एंड इथेन, एंड इथेन, लिक्विड अमोनिया एंड इथेन, ठीक है। और इथेन का काम क्या कर होता है, ये एक जो है वो प्रोटॉन देने का काम करता है, ये एक प्रोटॉन सोर्स होता है यहाँ पे। तो क्या होता है, बेसिकली बेंजीन जो है आपकी वो रिड्यूस होके साइक्लोहेक्सा 1,4 बनाती है, कैसे, जब बेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम के साथ, बेंजीन की रिएक्शन जो है वो सोडियम की प्रेजेंस में इथेन और लिक्विड अमोनिया, सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया और इथेन की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपको साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन प्राप्त होती है, यानी कि बेंजीन आपकी रिड्यूस होके क्या बना देती है, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाइईन, कब, जब इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया और इथेन की प्रेजेंस में हम करवाते हैं, और इथेनॉल, लिखो इथेन नहीं इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है, यहाँ पे प्रोटोन का सोर्स होता है, ये प्रोटोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो होता कैसे, देखो यहाँ पे ना ये बेंजीन, ये जो है बर्च रिडक्शन है, बेंजीन लिया आपने, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, रिएक्शन करवाना है, ओके, और
किसकी किसकी, लिक्विड अमोनिया भी लगेगा यहाँ पे, लिक्विड अमोनिया भी लेंगे हम, और साथ ही साथ हम क्या लेंगे, इथेनॉल भी लेंगे हम, ठीक है। जिस वजह से क्या बनेगी यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने का क्या मतलब है, यहाँ पे तीन बॉन्ड थे बेंजीन में, अभी कितने हैं, दो ही बॉन्ड बचे हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सा 1,4-diene बन जाती है यहाँ से। क्लियर हुआ ना इतना, ठीक है। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सोडियम बेसिकली यहाँ पे क्या करता है ना, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, अपना जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन होता है वो सोडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हम इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बेसिकली यहाँ पे ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। या फिर इसे डायरेक्ट बताऊं मैं, क्या होता है ना, ये इस तरह से मान लो आपकी बेंजीन है, ओके, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एने, इलेक्ट्रॉन मिला आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको यह जहां जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिला ये क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे एक रेडिकल आया, यहाँ और यहाँ रेडिकल आया था, उसने यहाँ बॉन्ड बना दिया, और यहाँ पे भी एक रेडिकल आया, और यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, जिससे इस पर क्या आ गया है, माइनस चार्ज आ गया है, और ये जब माइनस चार्ज आया, यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहता ही है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे था ही, यहाँ पे हाइड्रोजन था ही, और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इसने क्या बना लिया, यह माइनस चार्ज हो गया, और माइनस चार्ज होते ही जो मैंने कहा यहाँ पे कि इथेनॉल जो है प्रोटॉन प्रोवाइड करवाता है, तो C2H5OH जो हमने लिया यहाँ पे, ये रिएक्शन हुई यहाँ पे, ये क्या करता है, ये प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, ये प्रोटॉन जाके कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक कर लेगा, तो ये बन जाएगा आपका HH, ये एक तो बन गया आपका, ठीक है। फिर क्या होता है ना, यहाँ पे एक रेडिकल तो अभी भी है, ये रेडिकल वापस से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है सोडियम से, अगेन सोडियम से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो था ही, एक और आ गया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे थे ही, तो यहाँ पे H और H, ठीक है, ये इस तरह से हुआ। अब वापस से क्या हुआ, यहाँ पे इथेनॉल आया, C2H5OH वापस से इथेनॉल आया, और इसने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रोटॉन प्रोवाइड किया, तो ये बन गई आपकी, लिख लेते हैं नीचे इसको सही से, तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर HH तो था ही, यहाँ पे भी एक प्रोटॉन इसको मिल गया, ठीक है, कहाँ से मिला, इस इथेनॉल से। तो ये इस तरह से जो है ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे, ये इसकी मैकेनिज्म थी कि किस तरह से बर्च रिडक्शन होता है, फाइन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, बर्च रिडक्शन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्थलीन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ओके। चलो यहाँ ये वीडियो यहीं तक ही, इस क्लास में इतना ही, पढ़ते रहना टाइम टू टाइम और रिवाइज भी करते रहना, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना, ठीक है, ओके, थैंक यू।